किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए आज करेंगे ड्यूई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 7/10/2021। वर्कशीट नंबर हमारी 88 ब्रैकेट में बी। आज की वर्कशीट ईवीएस वर्कशीट है जो क्लास 4 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिए। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहाँ पर आपको सुरंग से और पुल से गुजरना पड़ा हो? सुरंग में से जब गाड़ी गुजरती है तो अंधेरे में अलग अलग आवाजें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको बड़ा मजा आया होगा। क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है? जब रेल पुल पर से गुजरती होगी तब आपको कैसा लगा होगा? तो चलिए बच्चों आज हम इन्हीं सुरंग, टनल, पुल, ब्रिज, फाटक, लेवल क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। बच्चों आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है सुरंग के अंदर या पुल के ऊपर, जब सुरंग में से ट्रेन गुजरती है और आप अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसकी गूंज सुनकर आपको मजा आया होगा ना? और रेलवे फाटक कभी पार किया है? क्या आपकी रेल कभी पुल से गुजरी है तो आपको कैसा लगा होगा? चलिए इन्हीं सब के बारे में हम इस वर्कशीट में आज करेंगे। देखते हैं क्या है। भाग संख्या एक। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए और उनके नाम, सुरंग, टनल, पुल, ब्रिज, फाटक, लेवल क्रॉसिंग अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए बच्चों आपको चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखने हैं और अपनी कॉपी में लिखिए। ये देखिए ये पहला चित्र है, ये क्या है बच्चों? ये है क्रॉसिंग यानी फाटक। यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये फाटक है रेलवे की, फाटक क्रॉसिंग। और ये देखिए दूसरा चित्र किस चीज का है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये ट्रेन है जो एक सुरंग से निकल के आ रही है, तो ये हो गया सुरंग। तो यहाँ पे आप सुरंग लिख दीजिए। चलिए और तीसरा चित्र देखिए, ये एक ब्रिज है। ये देखिए इस तरह से ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ये रेलवे ब्रिज है। तो यहाँ पे आप पुल लिखेंगे, पुल। ये एक पुल है जिसपे से ट्रेन गुजर रही है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तब सुरंग, टनल, पुल, ब्रिज, फाटक, लेवल क्रॉसिंग हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम नदी, घाटी, रेलवे लाइन, पहाड़ों आदि को आसानी से पार कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इन तीनों की सहायता से हम आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं भाग संख्या दो में क्या है। आपको नीचे तीन स्थानों स्थिति के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहनों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो आप इन जगहों पर सुरंग, पुल, फाटक में से क्या बनाना चाहेंगे। देखिए बच्चों आपको चित्र दिया है, इसमें आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आप इन तीन चीजों में से क्या बनाना चाहेंगे। पहले चित्र में देख लेते हैं, नदी है, नदी में आप क्या बनाएंगे जिसे आप आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं? तो आप नदी में पुल बनाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए पुल। जब पुल बनेगा तो आराम से निकल लेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। चलिए दूसरे में देख लेते हैं क्या है। पहाड़ और चट्टान, अगर पहाड़ के उस पार जाना है तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम सुरंग बनाएंगे, सुरंग की सहायता से हम एक पहाड़ के दूसरे किनारे तक हम जा सकते हैं। चलिए तीसरा है घाटी। घाटी में आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम फाटक बनाएंगे, यहाँ पे
फाटक, भाग संख्या तीन, अपने अध्यापक और अध्यापिका की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए बच्चों, आपको अपनी टीचर और अध्यापक और अध्यापिका से पूछकर अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, भाग एक, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है और कहाँ स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। यहाँ पे बच्चों लिख लीजिए, चेनानी नासरी सुरंग। और ये कहाँ स्थित है? ये रुकिए बच्चों, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा। सुरंग ये जम्मू और कश्मीर में है, लिख लीजिए जम्मू और कश्मीर। चलिए दूसरा देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबे पुल का क्या नाम है और ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत के सबसे लंबे पुल का नाम यहाँ मैं लिख देती हूँ, डोला सादिरा, डोला सादिया। पुल ये कहाँ स्थित है? असम, रुकिए बच्चों थोड़ा देख नहीं रहा, सही कर देती हूँ, असम। और अरुणाचल प्रदेश के बीच प्रदेश के बीच चलिए सी देख लेते क्या है, भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का नाम बच्चों यहाँ लिख देती मैं, भारत के लंबे प्लेटफॉर्म का नाम है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक बच्चों, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम और यह कहाँ स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम चेनाब नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है। और ये दूसरा देखिए, भारत की सबसे लंबे पुल का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम डोला सादिया पुल, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है डोला सादिया पुल। चलिए, भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है और कहाँ पर स्थित है? तो लंबे प्लेटफॉर्म का नाम गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं एक्टिविटी, घर में उपलब्ध सामानों जैसे कि माचिस की तीलियां, खाली माचिस के डिब्बों, गत्ते आदि से एक पुल बनाए और अपनी
अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ सुरंग, पुल और फाटक की उपयोगिता के बारे में चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले 2 गज की दूरी बनाए। बच्चों, कोरोना को अगर हराना है तो हमें 2 गज की दूरी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट पसंद आई है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, बाय बाय।